नेक्स्ट हम जिस डेस्टिनेशन पे आए हैं वो है लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से क्या दिखता है, यहाँ से जो हमारी लेक है वो कुछ मैंगो वाले शेप में दिखती है, मैंगो पॉइंट भी कहते हैं इसको, मैंगो पॉइंट भी कहते हैं, मैंगो की तरह दिखती है। वैसे आज हमारा लक अच्छा है क्योंकि बादल भी नीचे आ रखे पर वो दिख रही है। तो अभी हम कैमरा उधर करते हैं और आप लेक व्यू पॉइंट देख सकते हैं। बादल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, बादल आते जा रहे हैं, वो पॉइंट छुपता जा रहा है। परफेक्ट व्यू, इतना प्यारा लग रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं लेक कितनी अच्छी लग रही है, एकदम टोटल मैंगो वाले शेप में ही लग रही है। तो और ऊपर से आप देख सकते हैं बादल नीचे आ रहे हैं, धुंध हो रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब अगर हम यहाँ पर लाइव देख रहे हैं ना तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आपको, इट्स सच अमेजिंग व्यू। सो ये है मैंगो पॉइंट और लेक व्यू पॉइंट है, ये आपको हाइट से ही दिखेगा, नीचे से ही आपको पता नहीं चल रहा था। हम अभी जब हम ऊपर आए तब हमें पता लगा है। तो अब ये जब ये पूरी नैनीताल जरूर विजिट करें, यहाँ से पूरी नैनीताल दिख रही है, वो थोड़ा बादलों की वजह से थोड़ा ढक गया है बट बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। बारह पत्थर यहाँ पे, पैंट देखना कितनी ठंडी, ठंडी हवा निकलती है, हवा आ रही है, मतलब देखो यार ऐसा नहीं है कि मुड़े जाओगे, हवा आ रही है बस, पर बहुत ठंडी है। इस जगह का बारह पत्थर कुछ नाम बताया गया है, ऊपर चढ़ गया हाँ, हो सकता है बड़े है ना हम आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, ये है लवर्स पॉइंट, आप देख सकते हैं जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ ना वो वाला वहीं पर है। तो लोग जा रहे हैं लवर्स पॉइंट देखने, हमने ऊपर से ही देखा है अभी। तो यहाँ पे ये लवर्स पॉइंट है और इसके साथ में और इसके सामने आमने वाला जो वेदर है ना बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वुडलैंड वाटरफॉल। बारिश हो रही है बहुत तेज, ओहो वो वो वाटरफॉल हम आ गए हैं और यहाँ पर है बहुत तेज बारिश, पर बारिश में आ गए हैं, सारे लोग ही घूम रहे हैं। पूरा परिवार है इनका, ये हमारा परिवार है। सो ये है वाटरफॉल भाई, जबरदस्त है, पानी ठंडा है, पानी जाओ आप लोग भी जाओ, मैं नहीं जा रही यार, मैं अरिका के साथ हूँ ना, अरिका को मैंने पकड़ा हुआ है, निकली है चीज़ है। यहाँ पर ही वाटरफॉल है, इसके पास में यहाँ पे सिटिंग दे रखी है, सिटिंग होने से एक एडवांटेज है कि आप इजीली बैठ के किसी भी चीज़ का ना मज़ा ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप डेफिनेटली इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोई जूस का शॉप है, ये कुछ ऑर्गेनिक कुछ फ्लावर्स वगैरह का कोई जूस बना रही हैं, आपको अगर ट्राई करना है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ से आप ऊपर चलते चले जाइए, आप
काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको कुछ ट्रैकिंग टाइप ट्रैकिंग इंसेंस के अगर आपको यहाँ चल के जाना है तो आप इजीली जा सकते हैं। वहाँ सब बारिश का है तो आप देखो क्या करना है। अभी यह है नैनीताल का जू। हाँ निकली, बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पे। उसको बाहर का इंटरनेट यहाँ भी आता है वो, उसकी मर्जी। उतरने से पता लग जाएगा कि चढ़ाई कितनी थी। तो फाइनली हमने विजिट जू कर लिया है। अभी शाम के मुझे लग रहा है 5 बज गए हैं और आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो गया है। बादल फिर से पूरे नीचे आ गए हैं, धूप नहीं है यार, बहुत ही भयंकर चढ़ाई। बस आप एक बार मतलब किसी की बातों में ना आए, अगर आप चल पाए तो ही है, बहुत भयंकर चढ़ाई है। और यहाँ पे लोगों को 100 मीटर और 1 किलोमीटर में अंतर नहीं पता। हमें बोला गया था ये 100 मीटर है, बट भाई ये कम से कम 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। गाड़ी ने तो मैं इतना
पहले उतार दिया है, तब से चलते चलते आ रहे हैं। और सारी जो भी जगह है यहाँ पे घूमने की, सब में चढ़ाई है। पूरा जू में एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी चढ़ाई है, बहुत ही टफ रहा। बट एक दो चीज़ अच्छी है जू की, सारे के सारे जो जानवर एनिमल्स हैं वो बहुत पास में दिखेंगे आप। अपने साथ एक वाटर बोतल ज़रूर ले लें, क्योंकि इतनी चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते ना बहुत प्यास लगाती है। और बच्चा अगर आपके साथ ही ऐसा छोटा सा क्यूट सा बच्चा है ना, तो शरीर भी टूटता है। और ये बच्चे आपके जब चढ़ने नहीं देते ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चे को लेके हाइट पे चढ़ना। बहुत हाइट है यार, मतलब आप देख सकते हो, मैं तो अभी दिखा रही हूँ आपको, आप वेदर ही देख लो। जब हम आए थे यहाँ पे तो थोड़ी बहुत धूप थी, और एक कैसे कैसे हो रहा था यहाँ पे, ये मतलब बादल कहाँ जा रहे हैं भाई, जन्नत है। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वाइट वाइट जो भी आपको एरिया दिख रहा है, ये सारा बादल है। अभी आ रहा है ये बहुत स्पीड में हो रहा है, और स्पीड में आ रहे हैं अभी, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ टिकट कितना था, 100 रुपीज़ फॉर अडल्ट। हाँ, 100 रुपीज़ फॉर अडल्ट यहाँ पर टिकट था। और इसका लास्ट है टाइमिंग 4:30 बजे तक आपने जू में एंट्री करनी है। अगर आप 4:30 बजे तक एंट्री नहीं करोगे तो 5 बजे जू बंद कर देते हैं। हाँ, और 5 बजे आपको जू से बेदखल कर देते हैं। हाँ, कि आपने जाने जाना है, तो इसलिए भाई टाइम का ध्यान रखिए। क्योंकि हमने यही किया था, हमें लगा था कि हम ऑन टाइम है, बट हम थोड़ा लेट थे इसलिए, और थोड़ा भागम दौड़ी हो गई।